फ्रेंड गांव में आपका घर पे बैठ के जो बिजनेस से आप हर महीने लाखों रुपए इनकम कर सकते, ऐसे और एक बिजनेस है हैंडवॉश मेकिंग बिजनेस। फ्रेंड आपका गांव में बैठ के, आपको बड़ा सिटी में जाने का कोई जरूरत नहीं, आपका घर में बैठ के ये हैंडवॉश बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसका डिमांड है दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, अभी का टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है। तो फ्रेंड ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें आपको ज्यादा नगद का भी जरूरत नहीं पड़ते, कम पैसे में, कम से कम पैसे में। मैं अगर आपको बताऊं सिर्फ 2000 रुपया लेके भी ये बिजनेस आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते, लेकिन इससे हर महीने आप लाखों रुपया कमा सकते हो। कैसे, मैं आपको जरा हिसाब दे देते। मान लो कोई भी हैंड वॉश अगर आप बाजार में खरीदते जाओगे तो कम से कम सबसे लो क्वालिटी का भी जो हैंड वॉश मिलते, अभी का टाइम पे तो बहुत ज्यादा कीमत है हैंड वॉश का, वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अगर कोई भी दूसरा टाइम पे भी कोई भी लो क्वालिटी का हैंड वॉश खरीदने जाओगे, कम से कम 60 से 70 रुपया इसका कीमत आ जाते। एक डब्बा में आपको लिक्विड कितना मिलते, सिर्फ 250 ग्राम लिक्विड, और उसका बॉटल आप खरीद रहे 60 से 70 रुपया में, वो भी लो क्वालिटी का। अच्छा क्वालिटी का अगर खरीदने जाओगे तो 100 का ऊपर ही कीमत आएगा। तो फ्रेंड सिर्फ 60-70 रुपया में जो खरीद रहे वो आप अगर बनाने जाओगे घर पे तो सिर्फ आपको 18 से 20 रुपया खर्च आते, तो आप सोच ही सकते। और इसमें इतना ज्यादा फायदा है, आप अगर होलसेल भी करोगे ना, डिस्ट्रीब्यूटर का भी सेल करोगे ना, तो भी इसका डबल फायदा रहेगा। आपको खर्चा होता है सिर्फ 18 से 20 रुपया एक ही पाउच बनाने में, एक ही बॉटल बनाने में, लेकिन आप बाजार में आसानी से 35-40 रुपया खरीद सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास। आप अगर खुद दुकान में जाके सेल करते तो फ्रेंड 40-45 रुपया तक आप दुकानदार के पास जाके सेल कर सकते। इतना ज्यादा फायदा ला ये बिजनेस है। और इसमें मैं तो बोला सिर्फ 2000 रुपया में आप ये बिजनेस चालू कर सकते, आपका गांव में, आपका घर पे बैठ के। आपको बड़ा सिटी में जाने का भी कोई जरूरत नहीं, आपका कोई बड़ा मशीन खरीदने का भी कोई जरूरत नहीं, अब आपका हाथ से भी स्टार्ट कर सकते और बहुत सारा फायदा कमा सकते। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सामान लगते, कितना इनकम कर सकते, आप ये सामान आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे आप मार्केटिंग करोगे, मतलब सेल कैसे करोगे, तो ए टू जेड आपको बताऊंगा। लेकिन आप अगर मेरा चैनल में पहले बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते। फ्रेंड इधर मैं आपको एक लेटर बना के बता रहा हूँ क्या क्या डालना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा। तो एक लेटर बनाने के लिए आपको 850 ग्राम पानी लेना पड़ेगा। इधर मैं देख सकते हैं, मैं वेट देख रहा हूँ, इधर में 850 ग्राम पानी है। आपको जो मिक्सर करना पड़ेगा देख सकते, SLS 50 ग्राम यहाँ पे डाल देना, आपको ये पता चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल्स दे दूंगा, क्या क्या सामान लगेगा बोलूंगा तो याद नहीं रखोगे। तो ये भी डाल रहा हूँ फ्रेंड, ये परफ्यूम में 2 ग्राम परफ्यूम डाल दिया, तो आप उधर से देख लेना क्या कितना ग्राम लगेगा। तो जितना भी ज़्यादा बनाओगे, कम बनाओगे, तो हिसाब लेके बना लेना। तो फ्रेंड इधर में आप देख सकते हैं, मैं एक मिक्सर मशीन है जो मैं मिक्सर में डाल दिया हूँ। तो मैं जो SLS मिक्स किया था, फिर परफ्यूम मिक्स किया था फ्रेंड, इसका अंदर डाल देता हूँ। डाल के वो जो मिक्सर मशीन वो घूम रहा है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मैं दूसरा जो सामान है वो भी आपको डाल के बताते फ्रेंड, ये CLPP डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इधर में 20 ग्राम का हिसाब से CLPP। एंड यहाँ पे डालूंगा फ्रेंड CD, ये भी लिक्विड है और CD डालना पड़ेगा आपको 20 ग्राम। एंड इसका बाद में जो डालना पड़ेगा फ्रेंड कलर, आप जो भी कलर चाहते हो वो भी कलर बना सकते। तो कलर आपको डालना पड़ेगा आपका हिसाब से डालना, आप अगर ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते तो ज़्यादा डालना, अगर कौन बनाना चाहते तो जैसे आपका मर्जी ऐसे डाल सकते। तो कलर डालने के बाद फ्रेंड और एक चीज आपको डालना पड़ेगा, वो है नमक। आप बताओगे नमक क्यों डालना चाहिए फ्रेंड, नमक ये जो चीज है ये गाढ़ा करने के लिए, और जितना भी सामान में इसके अंदर डाला है वो पूरा के पूरा मिक्स करने के लिए नमक डालने का जरूरत है। तो वो कितना डालना पड़ेगा वो आपका हिसाब से डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। 1 किलो हिसाब बनाओगे तो 2 CMT भी डाल सकते, लेकिन आप देखोगे जब बनाओगे मिक्सर में बैठाओगे तो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड ये बना के 8 घंटा के अंदर आप देख सकते ये रेडी हो जाते, बना के 8 घंटा रख देना, फिर मैं आपको डब्बा में डाल सकते, ऑटोमेटिक हाथ से ही डाल सकते, दोस्तों कोई चीज़ देने का जरूरत नहीं। अरे बढ़िया क्वालिटी है, और इसमें लेबल लगा लेना, अब मैं जैसे बोला था, अभी आप सिर्फ लेबल लगा दोगे तो ये बाजार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप बता दे फ्रेंड ये जो सामान लगेगा आपको, आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड? हर कोई छोटा बड़ा बाजार में इसका सामान मिल जाते, ये लेके कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सिर्फ आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा सामान क्या क्या लगेगा।
तो लिस्ट देके आप बाजार में जाके कोई भी केमिकल का दुकान से खरीद के आसानी से लेके आ सकते हैं। आप बता दे फ्रेंड, इसका तो बाटल आएगा, वैसे आप 250 ग्राम का भी कर सकते, इससे बड़ा साइज भी कर सकते, इससे छोटा साइज भी कर सकते। अभी जो 100 ग्राम का जो हैंड वॉश है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आदमी हमेशा पॉकेट में लेके जा रहा है, तो 100 ग्राम वाली बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप 100 ग्राम का बाटली भी खरीद के ला सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो बाटली है, डब्बा है, ये आपको लगभग 100 ग्राम का खरीदोगे तो 400-500 रुपए गिरेगा। आप अगर 250 ग्राम का बाटल खरीदोगे तो आपको 10 रुपए तक गिरेगा। अरे मिलेगा का आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते, आपका साइड में बाजार में कोई भी डब्बा का दुकान देख जाके उसके पास जाके भी ऑर्डर कर सकते, बहुत ही आसान से। आप अगर एक साथ में ज्यादा माल यह करोगे, एक साथ में ज्यादा मंगाओगे तो आपको इससे भी कम रेट में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया डब्बा, और आपको क्या है एक हिसाब से वो जरा पैकिंग करना, इसमें पैकिंग करने वाला कोई बात तो है नहीं, आसानी से पैकिंग कर पाओगे। सेल कैसे करें, हर वीडियो में बताते हैं। सेल आप तीन तरह कर सकते, एक तो आप खुद ही रिटेलर दुकान में जाके बेच सकते तो आपको फायदा ज्यादा होगा। आप अगर कम सप्लाई दे रहे हैं तो पहले रिटेलर के पास जाके भी बेच सकते। आप अगर सोच रहे हैं मेरे को ज्यादा लाख रुपए का सामान सेल करना है तो आप होलसेलर के पास, फिर आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अभी तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में अगर सर्च भी करोगे ऐसे सर्च करने का भी जरूरत नहीं है, बोल भी दोगे जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर तो आपके एरिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है उसका नंबर आपके सामने आ जाएगा, तो इतना आसान हो गया अभी के टाइम पे। तो होलसेलर के पास फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके बहुत ही आसानी से आप चीज सेल कर सकते हैं। और फ्रेंड मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूंगा, यही जो आप अगर पहले बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपको ब्रांड नेम जरा सोच समझ के रखना, और ब्रांड नेम रखने का बाद में आप जब ज्यादा सामान सेल करने लगोगे तो पहले आपको मार्जिन जरा कम रखना, क्योंकि मार्केट आपका कस्टमर ही सब कुछ है। कस्टमर अगर आपका चीज पसंद करेगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर आपका सामान अच्छा करके सेल करेगा तब जाके आपका बिजनेस बड़ा हो पाएगा। तो पहले सबका ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटर का भी, होलसेलर का भी, रिटेलर का भी और कस्टमर का भी। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस में हो कस्टमर ही सब कुछ होता है। कस्टमर को अगर खुश रखोगे, कस्टमर सेटिस्फाई करोगे तो आपका बिजनेस देखते देखते ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पतंजलि को देख लीजिए, 10 साल में 40,000 करोड़ का मालिक बन गया, ऐसे कुछ होता है। आप अगर कस्टमर का फिर रिटेलर का अगर ध्यान रखोगे तो आप भी बन जाओगे, कोई बड़ा बात नहीं। तो फ्रेंड ये तो गया, तो मैं आपको बताया है एक ही बोतल से मतलब 100 रुपये में आपको 100 रुपया इनकम करके देते, इतना बढ़िया बिजनेस है। तो जरूर आप चालू कर सकते हैं, आपको घर पे बैठ के, यार इसमें तो ज्यादा नगद आपको नहीं लगते, ज्यादा पैसा भी आपको जरूरत नहीं है, तो पहले आप स्टार्ट करके देख सकते। कोई भी दिक्कत आपको होते तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई अगर दिक्कत हो जाए। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको करने में अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आपको जो करना चाहते है उसका तरीका नहीं है, तो फ्रेंड मेरा आने वाला वीडियो का इंतजार करना। हो सके मेरा आने वाला जो बिजनेस आइडिया वो आपको पसंद आ जाए और वो आप करने लग जाए। तो फ्रेंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करना। नमस्कार।